हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। बात करेंगे, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास है एक कैमरा और इस कैमरे का मैं बता देता हूँ नाम। इस कैमरे का नाम है कैनन 3000D। तो ये अमेजोन से परचेस किया हुआ था मैंने। ये अप्रोक्स मेरे को डिस्काउंट के बाद पड़ गया था, अप्रोक्स 30,000 का पड़ गया था मेरे को ये। तो अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और थोड़ा देखेंगे कि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके वेट के बारे में। अप्रोक्स है 1.5 किलो के आसपास का ये पूरा कैमरा है और 500 ग्राम का इसका ये लेंस है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसको यहाँ से इसका एक कैप हटता है, ये आप कैप हटाएंगे इसका, और फिर इसका लेंस, इसके भी दोनों तरफ कैप लगी होती है, एक कैप यहाँ से हटेगी और एक कैप ये हमारा फ्रंट है। तो अब एक बार मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको गाइस। तो ये मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, ये हो गया इंसर्ट, देख सकते हैं गाइस आप। इससे आप अपने कैमरे को जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हैं। इसका जो कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल का है, ठीक है। इसमें वाईफाई है, अगर आपको फोटो मेमोरी कार्ड ना निकालनी हो तो आप फोटो जो है वाईफाई के थ्रू किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो है बैटरी लगती है, और साइड में आप देख सकते हैं ये आपका जो स्टैंड होता है, स्टैंड का ये आप इसके थ्रू स्टैंड कर सकते हैं इसको, अपने कैमरे को। तो और इसका ये आप इसके थ्रू इसको अपने नेक में भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है गाइज इसका फ्लैश, आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको ये, अगर आप कोई डार्क एरिया में फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसकी जो फ्लैश है गाइज, काफी स्ट्रॉन्ग फ्लैश है इसकी, आप इसके थ्रू फोटो क्लिक कर सकते हैं, आपकी फोटो काफी क्लियर आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया ऑन कैमरा हमारा, ये इसके मोड है गाइज, आप जिस मोड में चाहो उस मोड में फोटो क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितने सारे मोड दिए गए इसके अंदर, ठीक है। आप सिंपली आपको ये जो रोलर है इसको आपको रोटेट करना है और आप किसी भी मोड में जा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। फिर ये जो आप दो स्मॉल बटन देख सकते हैं, ये आपका जूम, अगर आपने कोई फोटो क्लिक कर लिया तो ये जूम आउट और जूम इन के लिए, बाकी ये आपके फंक्शन बटन है, ठीक है। और ये आपका कैमरे का ऑन एंड ऑफ बटन है, आप इसके थ्रू कैमरे को ऑफ एंड क्लोज कर सकते हैं। और बाकी यह है आपका जो ये जो बटन है, इसके थ्रू आप पिक को क्लिक करेंगे तो आपका जो हाथ बेसिकली वो ऐसा रहेगा, तो आप इसके थ्रू आप इसको क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी इस बटन के थ्रू, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट की फोटो लेके दिखाता हूँ आपको कैसी आएगी। अभी देख सकते हैं गाइस आप, मैं सिंपली यहाँ से इसको फोकस करूंगा और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल हो, आपको जूम इन करना है कि आउट करना है। जैसे मैं अब इसकी फोटो क्लिक करता हूँ, ये गाइस की फोटो क्लिक हो गई है। अब देखिए गाइस आप इसकी क्लैरिटी है, गाइस मोबाइल में आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से तो क्लैरिटी काफी अच्छी है कैमरे की। बाकी कुछ और भी पिक्स मैं रिफरेंस के लिए अपने वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगा, आप और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी फोटो किस टाइप की है। बाकी मैंने आउटडोर में भी ये चेक किया है कैमरा, काफी गाइस काफी अंडर बजट कैमरा है और काफी एक अच्छा कैमरा है। अगर आप एक यूट्यूबर हो और अभी तक आप अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाते रहते हो, अगर आप कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आप ये वाला कैमरा बिल्कुल खरीद सकते हैं। लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात की आपके अंडर बजट है। अभी जो एक फोटो और लेके दिखाता हूँ गाइस, जो मेरा कैमरामैन है मैं उसी की फोटो लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस कितनी मस्त फोटो आई है। तो आप इसको इजीली अपने यूज कर सकते हैं, अगर आप एक कैमरा खरीदना चाहते हैं, आप कंफ्यूज है कौन सा लेना है, तो आप ये वाला कैमरा ले सकते हैं गाइस। काफी अच्छा कैमरा है और अंडर बजट में भी आपकी इजी टू हैंडल है, काफी मस्त कैमरा है ये। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये कैमरा पसंद आया है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपको लेना हो तो वहां जाके आप ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।